जब मैं 21 साल का था तब मैंने एक दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने इंटरनेट पर रेंट पे रहने के लिए घर ढूंढा। वो घर काफ़ी डिसेंट साइज था, 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, और प्लस पॉइंट ये था कि वो कॉलेज कैंपस के काफ़ी नज़दीक था, तो ये एक आइडियल घर था। लड़की जो उस घर में रहती थी उसका नाम रिया था और वो कुछ 25 साल की थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और लंबी भी थी और ब्रॉड भी थी। वो काफ़ी अच्छी लड़की लग रही थी, लेकिन वो काफ़ी शांत भी लग रही थी, लेकिन उसको शायद मैं पसंद आया तो उसने मुझे उसके घर में रहने के लिए एग्री किया। सो फार सो गुड। मेरी पहली रात थी तो हम वहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप में गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, और तभी मुझे लगा कि उस लड़की में कुछ तो थोड़ा सा अजीब है। उस रात पिज़्ज़ा खाते वक्त वो पूरे टाइम मुझे यही कह रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा वरुण धवन की तरह दिखता हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं इसके लिए उसको क्या कहूँ, तो मैं कंफ्यूज होके उसे बस इतना ही कहा कि थैंक्स। मैं थोड़ा भी वरुण धवन की तरह नहीं दिखता, तो ये बात मुझे थोड़ी सी भी सेंस नहीं कर रही थी। जब हम घर पे जा रहे थे तभी उसने मुझे पूछा कि क्या मैंने उसका रूम देखा है, और मैंने कहा नहीं, तो वो अपना रूम दिखाने के लिए मुझे उसके रूम के अंदर लेके गई। उसके रूम के दीवारों पे बस वरुण धवन के ही तस्वीरें थी। उसने इवन वरुण धवन के फोटोज की प्रिंट निकाल के उसके रूम के मिरर्स पे भी लगाई थी। उसके पास वरुण धवन के हर मूवीज की DVDs भी थी। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं इससे क्या मेकआउट करूँ। इट वॉज क्वाइट क्रीपी। पूरे डिनर के वक्त वो मुझे यही बात कह रही थी कि मैं वरुण धवन की तरह दिखता हूँ, और मुझे अभी पता चल रहा था कि वो काफी ऑब्सेस है वरुण धवन को लेके। कुछ हफ्ते बीत गए, मैंने उसे घर पे ज्यादा तो देखा नहीं। उस रात के बाद हमने ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो अपने ऑफिस से घर आती थी और प्रैक्टिकली उसके रूम में भागती हुई चली जाती थी। वो पूरी शाम और रात अपने रूम में ही रहती थी। उसकी एक अजीब गीगल थी जो कि काफी हाई पिच थी, और मैं उसकी गीगल करती हुई हाई पिच आवाज सुनता था उसके रूम के अंदर से। मैं वंडर करता था कि वो एक्चुअली क्या कर रही होगी जो ऐसे अजीब तरीके से हंस रही है। ओकेजनली वो कभी कभी रूम के बाहर आती थी कुछ 2 मिनट के लिए और मुझसे बात करती थी। बात करते वक्त वो फंबल करती थी तो मुझे पता चलता था कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही है। और वो कभी कभी रूम के बाहर आती थी और कुछ कहती ही नहीं थी, बस मुझे देखती रहती थी जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा रहता था। मैं उसकी तरफ देखता था और ऑकवर्डली कहता था कि हेलो रिया। फिर उसके बाद उसका वो एक लॉन्ग ऑकवर्ड पॉज होता था और फिर वो हाई पिच गिगल। इट वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल बींग अराउंड हर। एक दिन मैं रात के कुछ 2 बजे उठा, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने फ्रंट डोर खुलते हुए सुना या फिर कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने बेडरूम के बाहर आया, सभी लाइट्स बंद थी, लेकिन फिर भी मैं रिया को फ्रंट डोर के पास खड़ा देख सकता था। वो फ्रंट डोर के लॉक को ऊपर नीचे घुमा रही थी, बैक एंड फोर्थ, और जब जब वो लॉक घुमा रही थी वो मेरा नाम मंबल कर रही थी। उसे अंधेरे में खड़ा देख के और मेरा नाम मंबल करते हुए सुनते हुए मुझे काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। मैं क्वाइटली अपने रूम के अंदर चला गया और सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल भी सो तो नहीं पाया। एक रात जब मैं मूवी देख रहा था तभी वो अपने रूम से बाहर आई और हॉल में मेरे पीछे खड़ी हो गई। मैंने मूवी को पॉज किया और उसकी तरफ देखा। फिर उसने मुझे पूछा क्या मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही अजीब टॉपिक था तो मैंने ऑकवर्डली हाँ बोला और मैं ऑकवर्डली पीछे होके बैठ गया। 10 मिनट्स इंटू हर स्टोरी और वो एक्सट्रीमली एनिमेटेड हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा एंग्विश में बात कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि उसकी आवाज से पड़ोसी जाग ना जाए और वो पुलिस को फोन ना कर दे, और वो मुझे सुन भी नहीं रही थी जब मैंने उसे कहा कि उसका आवाज वो थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन तभी गुस्से में उसने एक ऐसी चीज कही जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा क्रीपी फील हुआ। उसने गुस्से में कहा कि अगर वो उसके सामने आ जाए तो वो उसका गला काट देगी। एंड दिस वॉज अ बिग गेम चेंजर। मुझे सडनली आइडिया भी नहीं थी ये लड़की किस चीज की कैपेबिलिटी रखती है। प्रैक्टिकली वो एक स्ट्रेंजर थी और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जो भी मैं उसके बारे में देख रहा था और सुन रहा था वो बहुत ही अलार्मिंगली डिस्टर्बिंग था। और उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो गई और वो बेड से उठी और उसने मुझे थैंक्स कहा उसकी बातें सुनने के लिए, और वो उसकी अजीब हाई पिच गिगल भी करने लगी। मैं अपने रूम में सोने के लिए चला आया। मुझे एक काफी अनसेटलिंग फीलिंग हो रही थी उस घर में उस लड़की के साथ रहने के लिए, और सबसे वर्स्ट चीज ये थी कि मेरे रूम के डोर पे लॉक ही नहीं था। मैंने मेरे रूम का एक टेबल दरवाजे के सामने एज अ बैरिकेड रख दिया। मैंने लाइट्स बंद कर दी और मैं अपने बेड पे सोने के लिए गया।
तभी मैंने कुछ आधे पौने घंटे बाद उस टेबल की आवाज सुनी जो मैंने दरवाजे के सामने एज अ बैरिकेड रखा था। मैंने आग खोली और लाइट लगा दी। मैंने देखा कि रिया दरवाजे को पुश कर रही थी और रूम के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक लग रही थी और उसकी आंखों में एक इनसेन लुक था। मैंने दरवाजे को पुश किया और उस पे चिल्लाते हुए मैंने कहा कि वो यहाँ से निकल जाए और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने उसके फुटस्टेप्स की आवाज सुने उसके रूम की तरफ जाते हुए, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अगले दिन जब मैं अपने रूम के बाहर निकला, तब जैसे मेरा हार्ट मेरे अंदर ही ड्रॉप हो गया हो, ऐसे मुझे लगा जब मैंने देखा किचन नाइफ हॉलवे फ्लोर पे पड़ी हुई। आई गॉट घूस बम्स ऑल ओवर माई आर्म्स। मैं बस यही सोच सकता था कि उसने कहा था कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का गला काट देगी। मैं उसके पास गया और मैंने इसके बारे में उसको पूछा। उसने मुझे कहा कि उसको याद भी नहीं है कि उसने कभी मेरे दरवाजे को पुश करते हुए मेरे रूम के अंदर आने की कोशिश की, और उसको ये भी याद नहीं कि उसने कभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में मुझसे बात की हो। आई हैड इनफ। मैंने इमीडिएटली दूसरा घर ढूंढा और मैं उसी दिन उस घर में मूव इन हो गया। उसके घर से मूव आउट होने के कुछ एक महीने बाद उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। आई वॉच एट द मूवीज और मेरा फोन स्विच ऑफ था। जब मेरी मूवी देख के हुई और मैं हॉल के बाहर आया, तभी मैंने अपना फोन टर्न ऑन किया और मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ जब मैंने अपने इनबॉक्स में 40 टेक्स्ट मैसेजेस देखे, वो भी उस लड़की के। वो 40 मैसेजेस बहुत ही ज्यादा इनसेन थे, क्योंकि वो स्टार्ट हुए थे हाई हाउ आर यू से लेके आई हेट यू तक। इट वॉज रियली इनसेन और मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद उस लड़की ने भी मुझे कभी मैसेज नहीं किया। लेकिन आज भी मैं ये एक चीज सोचता हूँ, अगर उस दिन मैंने वो टेबल दरवाजे के सामने एज अ बैरिकेड नहीं लगाया हुआ होता, तो क्या वो लड़की मेरे रूम के अंदर आ जाती और मेरा गला काट दिया होता? इट स्टिल फ्रीक्स मी आउट। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। कर दो यार शेयर, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि मेरी जब वीडियो आए आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले और फटक से आप वो वीडियो देखे और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करे। और अगर आप इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एनीवेज, इस बार का वर्ड है शैतान। शैतान ये वर्ड लेके आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं मेरी अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूंगा। पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे हेमा हिरानी, सुष्मिता सिंगा और टेडी टेडी को। तो चलो तो यारो आज के लिए। और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ाकू, दूसरे जो पढ़ाई ही नहीं करते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।